दिल्ली कैंट चलो। दो दिन पहले मेरी बेटी की मौत हो गई साहब। उसे सिर्फ बुखार था साहब। वो 3 दिन तक अस्पताल में रही और वहीं खत्म हो गई साहब। आगे देखकर गाड़ी चलाओ। ऊपर वाले की ही मर्जी थी साहब, मैं कुछ नहीं कर सका। जरा गाड़ी तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। यार ये एक तो गाड़ी तेज नहीं चला रहा है, पता नहीं हम सब घर कब पहुंचेंगे। उसी से पूछ ले यार। गाड़ी तेज चला ले भाई, रास्ता पूरा खाली पड़ा है। ये तेरे रफ्तार की सुई 40 से ज्यादा नहीं बढ़ती। 2 दिन पहले मेरी बेटी की मौत हो गई साहब। तो क्या हुआ, एक दिन हम सब मर जाएंगे, कौन यहाँ जिंदा रहने के लिए आया। बड़ी हैरानी की बात है, मौत गलत दरवाजे पे आ गई। मेरे पास आने के बजाय मेरी बेटी के पास पहुंच गई। उसे सिर्फ बुखार था, मैंने उसकी दवा दारू भी की लेकिन उसे बचा नहीं सका। मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था लेकिन कुछ ना कर सका। बस हम पहुंच गए, यहाँ साइड करके गाड़ी रोक लीजिए भैया। सर आप क्या काम करते हैं? मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। बचपन से ही मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि मैं बच्चों के हित के लिए कुछ काम करूँ, इसलिए मैंने एनजीओ बनाई। और अब आप देखना, जो बच्चे गायब हो रहे हैं उनकी आवाज़ संसद तक जाएगी। आज के बाद बच्चों पर हो रहा किसी तरह का जुर्म हमारी एनजीओ बर्दाश्त नहीं करेगी। आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं साहब। ये मेरा काम नहीं, मेरी आत्मा की आवाज है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ साहब। अपनों के बिछड़ने का गम बिल्कुल एक तूफान की तरह होता है और जब तक ये तूफान सीने में रहता है तब तक तबाही और बर्बादी निश्चित रहती है साहब। तुम काफी अच्छी तरह से समझते हो इस तूफान को। जी हुक्म कीजिए। 2 दिन पहले अपनी जान से प्यारी बेटी खोई है साहब। अरे नहीं सर, कहाँ। अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, अब यह काम मैं देख रहा हूं। समझिए आपका काम हो ही गया। ड्राइवर गाड़ी रोक दो। हाँ सर, प्रपोजल ऐसा तैयार किया है कि बस लोगों को लग जाएगा कि भारत में बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। सर वो जरा मेरे एनजीओ का फंड देख लीजिएगा। जी शुक्रिया।
तुम्हें लगता है बुखार की वजह से कोई मर सकता है? मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन दो दिन हुए मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब वो बीमार थी तो मैंने भगवान के दरवाजे पर भी सर फटके मिलने थे की, लेकिन कुछ नहीं। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी थी। जब स्कूल से आती थी तो मुझे पोएम सुनाया करती थी, बाबा ब्लैक सी हैव यू एनुअल, यस सर थ्री बैगफुल। हो सकता है मेरे ड्राइवर होने की वजह से उसके इलाज में कोताही की हो। कुछ दिन पहले उसके लिए मैंने लाल कलर की फ्रॉक खरीदी थी, वो डांस भी कर रही थी। उसे पढ़ाना चाहता था, पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन सिर्फ बुखार की वजह से